Assalamu alaikum, I'm back with another video of my review series. So आज जो मेरे पास product है वो mouse है. आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक master it या master it कह सकते हैं, उनका wireless, ठीक है, वायरलेस माउस है. सो आज हम इसका रिव्यू करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा, और एंड में मैं आपको इसके बारे में रिकमेंडेशंस दूंगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट साइड से, ठीक है. ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें ये एक प्यारा सा लोगो बना हुआ है M, ठीक है. M स्टैंड्स फॉर मास्टर, और ये मास्टर इट या मास्टर आईटी के ब्रांड का माउस है, ठीक है. इसके अलावा आप ये देखें, इस साइड पे बटन, इस साइड पे बटन, जो कि अमूमन सब माउसेस में होते हैं, ठीक है. इसके अलावा ये व्हील हो गया, ठीक है, जो ब्रांडेड माउस की निस्बत थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है. ब्रांडेड माउस के जो ये बटन, ये होता है व्हील होता है, वो इजीली और बहुत कंफर्टेबली प्लेएबल होता है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है. बाकी इसके बटन्स ठीक है, लेकिन एज़ कंपेयर टू ब्रांडेड माउस नॉट कंफर्टेबल. सेकेंडली बात कर लें, ये जो इसके ऊपर ये बॉडी बनी हुई है, हार्ड बॉडी, फ्रंट बॉडी, सो ये एज़ कंपेयर टू ब्रांडेड माउस थोड़ी हार्ड है. जो रबर, जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, वो थोड़ा रफ है, ठीक है. वैसे अच्छा है, लेकिन एज़ कंपेयर टू ब्रांडेड माउसेस इट्स नॉट लाइक, एक जिस तरह से प्रोफेशनल माउस होते हैं उस तरह का नहीं है, ठीक है. बाकी साइड से देखें तो अच्छा है, लुक्स ब्यूटीफुल, लेकिन ये आप देखें, इसकी जो ग्रिप है ना, हैंड ग्रिप, वो ब्रांडेड माउस की निस्बत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये देख रहे हैं, ये प्ले बाकी बच रहे हैं ना हाथ का. सो ये, इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसको उस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है. अगर इस तरह करेंगे तो फिर आपकी फिंगर्स आगे मूव कर जाएंगी. सो दैट्स इट. नाउ बैक साइड पे आते हैं, तो इधर आप देखें कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक टेप कह लें या फिर एक्सपोर्ट कह लें, ये जो है ना, ये और ये अपर एंड लोअर साइड्स दोनों पे, बैक साइड पे ये लगी होती है, ताकि इसकी ग्रिप अच्छी रहे ऑन द माउस पैड, या फिर किसी पेपर पे अगर यूज़ करते हैं तो आप, ठीक है. ये इसका परफेक्ट और पॉजिटिव पॉइंट है. तो इसके अलावा इसके ऊपर आप देखें कि मास्टर आईटी सिंस 2013 से ये कंपनी काम कर रही है, और इस माउस का जो मॉडल है वो M15 है, M15 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस माउस, ठीक है. 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का इसका वायरलेस, यानी कि इसकी वो कनेक्शन स्पीड कह लें वो है. मेड इन चाइना, चाइना का ब्रांड है. इसके अलावा बाकी इनकी ये स्पेक्स आगे कुछ हैं, ठीक है. ऑप्टिकल इंजन, इसका मतलब ये है कि जो इसमें लाइट लगी हुई है, इट्स नॉट अ लेजर लाइट, ठीक है. ये एक नॉर्मल सी लाइट होती है, सेंसर लाइट होती है. एक लेजर सेंसर होता है, तो इसमें एक सेंसर लाइट लगी हुई है, ठीक है. इसके अलावा आप ये देखें, ये है इसके एक सेल की जगह, ठीक है, जहाँ पर एक अदर सेल, और इसका वोल्टेज मैं आपको अभी बताता हूँ कितना, हाँ 1.5 वोल्ट का, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, 1.5 वोल्ट का एक सेल लगता है इसमें,
वो आप रिचार्जेबल भी लगा सकते हैं, और रिचार्जेबल भी लगा सकते हैं और एक आम भी, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें एक वो दी हुई है जिसे आप कह लें कि ये कंप्यूटर में लगती है, ठीक है, स्विच है या फिर जैक कह लें, ठीक है, जैक या स्विच कंप्यूटर में आपके लगेगा या लैपटॉप में लगेगा। तो उसके बाद ये कनेक्शन इसका ऑटोमेटिकली इसका वायरलेस काम करने लग जाएगा। सो ये हो गया, तो ये भी अच्छा है, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, बस नॉर्मल है, ठीक है, ये इसकी जगह है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने पेच लगाया हुआ है, सो इट्स ऑल अबाउट इट। सो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी 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 मच। अल्लाह हाफिज़।